हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 26 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और स्वास्थ्य में सुधार, फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी और इस वर्ष की थीम फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद में है। और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो द हेग का, नीदरलैंड के द हेग में। और इसकी स्थापना की गई थी 25 सितंबर 1912 को और इसके अध्यक्ष हैं डोमिनिक जॉर्डन। कौन है? डोमिनिक जॉर्डन इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कौन शुरू करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट को की घोषणा करेंगे, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। और इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे और आधार और उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर का उपयोग करके यह आईडी बनाई जाएगी। और इस पहल को आरोग्य मंथन के अंतिम दिन शुरू किया जाएगा और जिसे सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के रूप में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की 107 वर्षीय जुड़वा बहनें दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान की दो बहनें 107 वर्षीय हैं जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिलाएं हैं। यही है वह दो जुड़वा बहनें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दो जापानी बहनों को 107 वर्ष पर दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। उमेनो सुमियामा और कोउमे कोदामा का जन्म 5 नवंबर 1913 को पश्चिमी जापान के शोदोशिमा द्वीप पर 11 भाई बहनों में तीसरे और चौथे स्थान पर हुआ था। क्या है? सुमियामा और कोदामा 1 सितंबर तक 107 साल और 300 दिन के थे और प्रसिद्ध जापानी बहनों किन नरिता और जिन कानी द्वारा 107 साल और 175 दिनों में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। असम में 6 गांव में चाय पार्क की स्थापना की। असम कामरूप जिले के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है और इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो गोदाम सुविधाएं और चाय पीसने सम्मिश्रण पैकेजिंग और अन्य उपयोगिता सेवाएं जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं होगी इसमें। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा
लॉन्च किया है, तो यह किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने यह लॉन्च की, यही है अमिताभ घोष जिन्होंने यह जंगलनामा नामक ऑडियो बुक लॉन्च की है, अमिताभ घोष की जंगलनामा। अब यूएस आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है, और जंगलनामा ने अपनी कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान तूर द्वारा शानदार कलाकृति के साथ सुंदरबन के आश्चर्य को उजागर किया है, और यह एक शानदार लोक कथा का प्रकाशित संस्करण है जिसे हर पुस्तक प्रेमी रखना चाहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीएम डी गुकेश। इन्होंने यह नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब जीत लिया। भारत के डी गुकेश ने इस महीने का अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन वर्ग जीत लिया है, और गुकेश नाबाद 8.5/10 के स्कोर बनाया है, और टूर्नामेंट जीतने की प्रतियोगिता से पहले एक पूर्ण अंक हासिल किया। इंडियन ने 8.5/10 अंकों के साथ एकमात्र दूसरा स्थान हासिल किया, जो शीर्ष वरीयता प्राप्त दमित्री जी कोलार्स और वैलेंटिन ड्रैगनेव के आधा अंक आगे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9.7% कर दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो 20 आधार अंकों की कमी है, और फाइनेंशियल 2023 के लिए OECD ने भारत के विकास के अनुमान को 30 आधार अंकों में से घटाकर 7.9% कर दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1961 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए तीसरा कार्यकाल जीता है। उनकी पार्टी ने 20 सितंबर 2021 का संसदीय चुनाव जीता है। हालांकि 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीटों को जीतने में सफल रही। जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ पर मुद्रा चलती है कैनेडियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और पार्क को जेवर हवाई अड्डे के पास के YEID के 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। कौन सा शहर? लखनऊ शहर। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसको सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया ने भारत में सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है, यही है राजीव अग्रवाल जी। फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया है, और वह अंकित दास की जगह लेंगे जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में कंपनी छोड़ दी थी, और वह देश के दक्षिण पंथी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के नियमों को लागू करने का विरोध करने के लिए एक विवाद में फंस गई थी। और अपनी नई भूमिका में अग्रवाल भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित करने और नेतृत्व करेंगे।
फेसबुक की स्थापना की गई थी फरवरी 2004 में और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।